Let's see what we have for Capricorn. Okay. Okay. What's the guidance for Capricorn? ओके सो कैप्रिकॉन आपके लिए ये मंथ डेफिनेटली uh, बहुत अपॉर्चुनिटीज ला रहा है बहुत हार्ड वर्क लेके आ रहा है एंड स्टार्टिंग के पहले और दूसरे हफ्ते में काफ़ी हद तक आपको ऐसा लग सकता है कि कोई ऐसा काम जो आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि इस मंथ में आपको अपने बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे <coughs> बहुत सारी चीज़ें जो जिनमें आपने पास्ट में इन्वेस्ट किया था वो आपका कोई बिजनेस <clears> मॉडल <throat> हो सकता है वो आपके फाइनेंशियल डिसीजन हो सकते हैं वो आपके इमोशनल डिसीजन भी हो सकते हैं हर वो चीज जिसमें आपने कुछ टाइम पहले इन्वेस्ट किया था उसका रिजल्ट आपको इस महीने के स्टार्टिंग के दो हफ्तों में आने दिखने लगेगा कि हाँ उसमें अब मूवमेंट होने लगा है अदर देन दिस बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इस मंथ खत्म होंगी तो जो आपके लिए एक एंडिंग पीरियड आ रहा है एक ट्रांजिशन पीरियड आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए ये ट्रांजिशन पीरियड इजी नहीं होगा आप में से बहुत लोगों के लिए ये ट्रांजिशन पीरियड एक चुनौती जैसा फील होगा कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ ये क्या हो रहा है हमारे साथ बट आपको एक पॉइंट के बाद समझ में आएगा कि ये एंडिंग नहीं है ये एक बहुत न्यू स्टार्ट है किसी चीज़ का और आपका जो माइंडसेट है वो एक बेबी वाला माइंडसेट होना चाहिए जब आप कुछ नया नया सीखने जाते हो एक इंटर्न वाला माइंडसेट होना चाहिए कि मैं जो सीखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ मैं एकदम रूट से सीखूंगा दोबारा से सीखूंगा एक बच्चे की तरह सीखूंगा बिना किसी ईगो के कि मैंने तो ये चीज़ इतने सालों से की हुई है मैं ये चीज़ दोबारा क्यों करूँ क्योंकि इस महीने की जो एनर्जी है वो आपको ऐसा फील करवा सकती है आपको इगोइस्टिक फील करवा सकती है और जहां आपने इगोइस्टिक फील किया वहां पे चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी तो इस महीने की एनर्जी आपसे ये चाहती है कि आप अपना एक्सपीरियंस जो आपने आज तक चीजें करी हैं उसको और जो जिंदगी आपको नई चीजें दे रही है उन दोनों चीजों के बीच में एक बैलेंस बनाएं दोनों को साथ में लेके चले एक्सपीरियंस भी ना छोड़ें पर ये जो न्यूनेस है कि लेट्स ट्राई दिस यू नो कुछ नया है कुछ नया सीखने को मिल रहा है वही माइंडसेट रखें रखे तो बहुत बेनिफिट हो सकता है ऑल्सो आपके लिए एक हेल्प भेजी जा रही है आप में से कई लोग होंगे जिनको मेंटली एंड फाइनेंशली पिछले इस महीने में कुछ इश्यूज आए होंगे या आपके बहुत सारे सवाल होंगे अपने फाइनेंसेज और मेंटल हेल्थ को लेकर जिनके आंसर्स भी आपको इस मंथ में मिलेंगे लेकिन आपको बहुत सारी चीजों से अगेन मूव ऑन करने की बहुत स्ट्रांगली जरूरत है क्योंकि आप लोगों की एनर्जी बहुत टाइम से दूसरों के एनर्जी फील्ड में अटकी हुई है दूसरों के एक्सपेक्टेशन में बहुत अटकी हुई है जो आपको अब समझने की जरूरत है कि इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन और ये मंथ आपको वो समझने का टाइम देगा एंड एंड ऑफ दिस मंथ आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आएगी या एनर्जी आएगी जिसमें आप ये महसूस कर पाओगे और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाओगे कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एनी मोर एंड आई विल मूव ऑन फ्रॉम दिस शायद आप फिजिकली कहीं नहीं अटके हैं बट मेंटली और फाइनेंशियली दोनों ही तरीकों से आप आप में से बहुत लोग अटके हुए हैं सो hmm. so, ये हेल्प आपको इस मंथ होने वाली है सो so, एक तरह से जो मतलब जो पहले से कुछ आपने किया है उसके रिजल्ट आएंगे कुछ अपने अंदर चेंजेस आएंगे सो इट्स टोटली ऐसे कह लो की साइड चेंज हो रही है। तो उस तरह से एक या सकते क्योंकि आया है, hmm. ये बात करता है जब ऊपर वाले को आपकी लाइफ में बीच में आके आपको बोलना पड़ता है कि अब बहुत हो गया अब तुमको यहां से निकलना पड़ेगा right. क्योंकि उन्होंने आपको बहुत सारे साइंस दिए हैं बहुत बार बताने की कोशिश किया है कि दिस पर्सन और दिस जॉब और दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर यू बट आप नहीं समझ पाए और तब ये डेथ कार्ड बीच में आके ये रोल प्ले करता है जब यूनिवर्स बीच में आती है और ऐसे हालात बनाती है कि आपको वहां से निकलना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट सो इट्स गुड कि आपका ट्रांजेक्शन आ गया है थोड़ा सा हार्ड फील होगा मुश्किल फील होगा बट इवेंचुअली यूल अंडरस्टैंड कि ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए कितना जरूरी था